दूसरा जो से हम कह रहे हैं कि हमारे दरमियान एक अच्छा एक रवाबित रहने चाहिए, हमारे जो एम्बेसडर लव मी टू कॉल देम और नैब, तो हम ऐसे कह रहे हैं कि हम महाना एक बैठक का बंदोबस्त करेंगे या उसको कचहरी कर देंगे। कचहरी भी ज़रा कलोनियल उस रिफ्लेक्शन है, एक ऐसी बैठक जहाँ हम सब इकट्ठे बैठे होंगे एक ही लेवल पे, और जो आपके मसाइल हैं, जो आपकी क्वेरीज होंगी, वो डीजी साहब उनका मुतलका जो अमला है वो आपको फौरन उसका हल बताएगा। और इसका आगाज़ भी हम शहर लाहौर से करेंगे और इसी महीने से करेंगे, उसकी आपकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो नैब को इंशाल्लाह मेरी आपसे आपके सामने ये कमिटमेंट है कि हम उसको खोया हुआ मकाम वापस ला के देंगे, और जो भी नकाइस जो आपको जो तनाज़ात थे वो निचले लेवल पे नहीं थे, वो मेरे लेवल पे जो बड़े लेवल के ना थोड़े सीनियर लीडरशिप के, वो इंशाल्लाह वो नकाइस दूर हो चुके हैं, दूर हो के रहेंगे। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि नैब 100% सियासी गैर वाबस्तगी का आपको अमली नमूना बना के दिखाएगा। विल रिमेन एब्सोल्युटली ए पोलिटिकल। हमारा मकसद है जुर्म की सरकोबी, जुराइम का खात्मा, वाइट कॉलर क्राइम और करप्शन का सदबाब। इसके लिए हमारा कोई फेवरेट नहीं और कोई हमारा दुश्मन नहीं है। हाँ, अलबत्ता हम अपने मामलात में तहजीब और शाइस्तगी को बहुत ऊपर प्रायोरिटी देंगे। हमने इसको अकूबत खाना नहीं बनाना, एक हमारे पास जो आया है हमने जुर्म का खात्मा करना है, मुलजिम कर रहे हैं। हर मुलजिम के भी वही राइट्स एंड प्रिविलेजेस होंगे जो किसी की होगी। तो ये मेरी एक एफर्ट होगी, इंशाल्लाह इसके नतायज आप कुछ अरसे के बाद देखना शुरू होंगे। मेरी जो ताकीद है वो सिंपल वन लाइनर है, ट्रीट अदर द वे यू वुड लाइक टू बी ट्रीटेड। ये हमारा बॉटम लाइन होगा और हर एक के साथ होगी। फिर जो आपने जो सज़ा मिलनी है या जो आपको रिलीफ मिली है वो मौजूद अदलिया का काम है। हम अपने काम के दौरान एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह रहेंगे और हैं भी। वास्ट मेजॉरिटी इज़ वेरी पोलाइट, वेरी प्रोफेशनल। इट्स ओनली फ्यू, बहुत कम लोग हैं जिनकी वजह से हमारी नेकनामी पे कुछ धब्बा